हेलो जी, कौन? खुश आमदीद। क्या सही सुना? नोयान ही है, लेकिन तेरी तो अगवा फैली थी कि चाय के होटल के सामने तेरी लाश मिली थी अर्तुरुल को। खून और रात से मैं दोबारा जिंदा हो गया। तू जिंदा क्यों हुआ डीट आदमी? तुम्हारी नस्ल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। अबे डीट आदमी, तू तो मजाक समझता भी नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा था कि तू अर्तुरुल को मारेगा किस तरह। मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए तैयार किया। अबे झूठे आदमी, तैयार मैं खुद हूँ। अलबत्ता तेरा थोड़ा सा सुरमा यूज किया है तो तू समझ रहा है मैंने तैयार किया है। तो फिर बताओ मुझे क्या किया तुमने? वही जो होना चाहिए था उसके साथ। फिक्र मत कर, जलाया नहीं है तेरे सुरमे को, अर्तुरुल को गिफ्ट के तौर पर दिया है। अर्तुरुल को देखा तुमने? अबे लंगोट इंसान, देखा होगा तो तब भी सुरमा दिया होगा ना उसे। क्या देखा? हाँ, उस सुरमे को अर्तुरुल ने फेंक दिया था कचरे में, लेकिन फिक्र ना कर, मैंने उठाकर तेरे गंदे कपड़े से उसे साफ करके तेरे लिए बचाया हुआ है। आफरीन है तुम पर। और तो और, अर्तुरुल उसे जलाने वाला था लेकिन मैंने उसे मना किया कि जला नहीं नोयान, पर इसे डबल कीमत पे बेच दे, मुनाफा ही मुनाफा। का हक अदा कर दिया तुमने। वैसे तू अर्तुरुल का नाम सुनते हुए डायरेक्ट काले से पीला कैसे हो जाता है, मुझे ये समझ नहीं। अर्तुरुल ने मेरे ना जाने कितने जंगजू मार दिए, मेरे लिए कुर्बान हो गए वो। तो तू चाहता क्या है, मैं भी तेरे लिए कुर्बान हो जाऊं? ऐसा सोचियो भी मत, वरना तेरा अर्तुरुल को एड्रेस भेज दूंगा और तेरी जो बाद में कुट लगेगी वो तू ही जानता है। अब चल के हम अपना अधूरा काम मुकम्मल करते हैं। कौन सा? अमीर सादतीन को गंजा करके गधे पे बैठाना? अबे थोड़ा सब्र रख, पहले कुछ पीने के लिए तो दे, इतनी दूर से आया हूँ तेरे लिए। लो पियो। अगर तू सस्ते शरबत में मुझे टरकाने की कोशिश कर रहा है तो बाद में इसका अंजाम बुरा होगा। ये कोई मामूली मशरूब नहीं है, खून है। अच्छा, तो तू मुझे खून पिलाना चाहता है ना, और ताकि मैं भी तेरी तरह दरिंदा बन जाऊँ। तुर खून की बहुत याद आई। यानी तुर्कों की याद आई, तुर्कों का खून पी रहा है। कल बाचू की याद आई तो बाचू का खून पिएगा क्या? पी लो जमींदार। नहीं पीना मैंने तेरा ये गंदा खून, और पहले मुझे शक था, अब मुझे पूरा यकीन हो गया तुझ पर। तो तुम्हें मुझ पे यकीन आ ही गया। मेरा मतलब तू हट हराम निकम्मे के साथ साथ एक काला दरिंदा भी है। अच्छा गुस्सा ना हो, ये तो बता तूने अभी तक एरिस से क्यों नहीं मिला उसे, यानी अभी तक तूने मारने की कोई प्लान नहीं बनाया? एरिस मुझे अर्तुरुल देखा। यानी तू बड़ा लालची भी है साथ में। वैसे तू छोटे में काम क्या करता था? मुझे तो लग रहा ठेकेदार था जंगलों का। मैंने बताया ना कि मैं मुसाफिर हूँ जमींदार। तो फिर इतना लालच कहाँ से आया? तंगोत ने तो नहीं दिया फ्री में एक्स्ट्रा लेकर? तुम्हें जान लेना चाहिए कि तुम्हारा साथ देने वाला करीब तरीन दोस्त हूँ मैं। तू दोस्त नहीं दुश्मन है, तेरे से अच्छा तो सादतीन है, कम अज़ कम उसके छोटे कद से उसे गिरा तो सकते। अर्तुरुल का शिकार करने वाला बस एक शिकारी हूँ मैं। तू एक मेरी नज़र में दरिंदा शिकारी है। ठीक है नोयान, मैं चलता हूँ, तेरी ज्यादा गुफ्तगू मेरे दिल और दिमाग को दोनों को खपखपाती है। तो दोस्तों, जिस जिसको नोयान की ये वीडियो पसंद आई वो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करे। तो दोस्तों, ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी लाजमी दबाएं। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।